IAS और IPS की परीक्षा पास करना कितना मुश्किल होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के बल पर अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं, चाहे उनके आसपास की परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला IAS ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंची हैं। साल 2016 में UPSC परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल करने वाली इस लड़की का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक मारवाड़ी परिवार में जन्मी इस बेटी के घर में 28 लोग थे। पिता किराने की दुकान में काम करते थे। बचपन में लड़का और लड़की के बीच होने वाला भेदभाव भी उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि घर के बुजुर्गों को बेटे की आस थी और बेटी होने की वजह से उन्हें थोड़ा सा कोसा जाता था। लेकिन माँ बाप पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से जारी रखी। पिता चाहते थे कि अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करूं और इसे अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं। हिम्मत करके जैसे तैसे अपनी बेटी का दाखिला कोलकाता के सेंट जोसेफ स्कूल में करा दिया। स्कूल तो बहुत अच्छा था लेकिन उसकी फीस भी उतनी ही ज़्यादा थी। लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पिता ने बहुत मेहनत की, तरह तरह के काम किए और जैसे तैसे पैसा इकट्ठा कर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई। यहाँ बात कर रहे हैं IAS श्वेता अग्रवाल की, जो बचपन में मेहमानों के हाथों दिए गए पैसे भी अपनी माँ को इसलिए दे देती थी ताकि उनके स्कूल की फीस भरी जा सके। स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हुई। श्वेता के परिवार में उनके अलावा अब तक किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें कॉलेज करना है। जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आई तो लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया कि लड़कियों को कितना भी पढ़ा लिखा लो, आखिरकार उन्हें करना तो चूल्हा चौका ही पड़ेगा। लेकिन श्वेता ने और उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। इसके बाद कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया और अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन की डिग्री अपने नाम की। ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी तो मिल गई, लेकिन श्वेता की इच्छा मन में अफसर बनने की थी। इसने ठान लिया कि अफसर बनकर रहेंगी और नौकरी से इस्तीफा देकर UPSC की तैयारी में लग गई। इस बीच मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आई। श्वेता जब अपने एग्जाम की तैयारियां कर रही थी तब परिवार की ओर से उन पर शादी करने को लेकर दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं हटी और अपनी तैयारी जारी रखी। 2013 में UPSC की एग्ज़ाम की लास्ट लिस्ट में 497वीं रैंक हासिल की, जिससे उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली। लेकिन मन में जज्बा था कि IAS बनना है। फिर से एग्ज़ाम दी, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा था कि प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए। साल 2015 में फिर से एग्ज़ाम दी जिसमें उनकी 141वीं रैंक आई। इसके बाद भी उन्हें IAS की नौकरी नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। साल 2016 में फिर से UPSC की एग्ज़ाम दी और 19वीं रैंक पाकर अपना IAS बनने का सपना पूरा किया। तो देखा आपने, IAS श्वेता अग्रवाल की कहानी किसी पिक्चर से कम नहीं, लेकिन एट लास्ट में नतीजा वही निकला कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और हमेशा जिंदगी में रियल हीरो ही जीतता है और अपने सपनों को पूरा करता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.